तो गाइस फाइनली आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ ट्रैक चेंजिंग वाला वीडियो। और ये जो ट्रैक देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये हमने लास्ट दो वीडियो में कवर कर लिया है। तो अब हम क्या बनाएंगे, ट्रैक चेंजिंग वाला वीडियो। एज यूजुअल क्या हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाना है। बनाने का सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो गाइस यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन बना लिया। देन हम क्या करेंगे, वही आपको गैप बनाना है 1.7 सेंटीमीटर का। तो मैं मार्क फटाफट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ होता है मार्क हमारा कंप्लीट। देन हम क्या करेंगे, दोबारा से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा नॉर्मल एक स्ट्रेट ट्रैक होता है कंप्लीट। देन गाइस आप लोगों को एक डिसाइड करना है कि आपको किस साइड ट्रैक को चेंज करना है, उस हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन और एक खींच लेना है आप सभी को। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्या राइट वाला जो ट्रैक है वहाँ से एक और लाइन खींच लिया मैंने। दोबारा से उसी लाइन के ऑपोजिट 1.7 सेंटीमीटर का मार्क कर लेना आपको। मार्क करने के बाद दोबारा से क्या एक स्ट्रेट लाइन बनाना है आपको। तो गाइस ऑपोजिट साइड में लाइन बनाने के बाद क्या करूँगा, उसके बगल में थोड़ा सा गैप छोड़ के एक स्ट्रेट लाइन बना के वहाँ से इस ट्रैक को अलग कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे होता है हमारा ट्रैक का लेआउट कंप्लीट। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे दोनों ट्रैक क्या एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस बीच में मैं यहाँ पे इसका डायमेंशन मेंशन कर देता हूँ ताकि आसानी रहे आप सभी को। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कितना सेंटीमीटर का गैप लेना है। तो गाइस इसके बाद क्या करूँगा, मैं इसके ट्रैक के अंदर जितने भी बेसिक लाइन है स्ट्रेट उसे मैं ऑलरेडी स्टिक करके रखूँगा मैस्टिक को। जैसे कि देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मैस्टिक को लगा के रखा है, क्योंकि गाइस ये बहुत ही आसान है। आप लोगों को मैंने स्ट्रेट ट्रैक वाली वीडियो में ऑलरेडी समझा के रखा कैसे लगाना है आप सभी को। तो गाइस अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके चेक कर लेना। और गाइस मेन जो पार्ट है इस वीडियो का यही पार्ट है, जो जहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक दूसरे के साथ लाइन का मर्ज हो रहा है। तो गाइस ये वाला जो सेक्शन है ट्रक का प्रैक्टिकल में इसी का ही दिखाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस यही जो है मेन है जहाँ से हमारा ट्रैक का चेंज होगा। तो आपको क्या ध्यान से देखना है ये वाला वीडियो नेक्स्ट जो भी मैं बताऊँगा, और आपको ऑब्जर्व करना है जो बताऊंगा, ऑब्जर्व करना और जो दिखाऊंगा वीडियो के द्वारा। ऑब्वियसली रियल टाइम में तो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ऑब्जर्व करना है और साइड बाय साइड मैं आपको इमेजेस भी दे दूंगा ताकि आपको पता चले। उसके लिए क्या मैं ब्लेड यूज़ करूँगा, क्योंकि ब्लेड का मेन रोल है ट्रैक को काटने में, शेप में काटने में, तो ब्लेड का ही मेन रोल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आप ध्यान से गाइस ऑब्जर्व करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इनर जो लाइन है एक दूसरे के साथ क्या मर्ज हो रहा है यहाँ पे। उन्हें बनाने के लिए क्या करेंगे, एक स्टिक रखेंगे हम। तो गाइस स्टिक रखने के बाद इसके पीछे जो लाइन है उसके हिसाब से आपको ऊपर भी लाइन ड्रॉ करना है। देन इसे काट लेना है। काटने के बाद इसे क्या करेंगे, हमें इसे पेस्ट कर लेना है। और उसके साइड में एक छोटा सा गैप बन गया है, उसे भी हम क्या स्टिक लगा देंगे छोटा सा, एकदम बारीकी सा ट्रायंगल बना के, मतलब तिरछा काट के वहाँ पे लगा देंगे। देन यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा जो स्टिक है लाइनिंग के अंदर आ रहा था, तो मैं क्या करा ब्लेड के मदद से जितना पार्ट अंदर आ रहा था वो मैंने काट दिया एकदम सफाई से, ताकि व्हील सही से जा सके ट्रैक बीचों में से। तो ये वाला पार्ट देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टिक लगा कर रखा है, और साइड में एक इमेज दे दिया मैंने आपको। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया ये वाला पार्ट और कैसे काटा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे भी हम हल्का सा काट देंगे ताकि व्हील पास हो सके अच्छे से। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं ऐसे ही आपको बनाना है। रेफरेंस के लिए मैंने इमेज दे रखा है ताकि आप सभी को समझ में आए। और ये वाला सेक्शन आपको बारीकी से और ध्यान से बनाना है। माचिस की तिल्लियों को सही से अलाइनमेंट में काट के बनाना है आपको, ताकि ऐसा शेप दे सको आप ट्रैक के बीचों बीच। और यहीं से जो क्या हमारा ट्रेन का जो व्हील है पास आउट होगा। अगर यहाँ पे आपने स्टिक सही से नहीं लगाया तो क्या यहाँ पे जाके ट्रेन आपका डीरेलमेंट हो सकता है। तो गाइस ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस आई होप ये वाला सेक्शन मैं आपको सभी को समझा पाऊँ अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। और बाकी ये जो ट्रैक है एक बार क्लोजअप लुक दिखा देता हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए। ये रहा गाइस, अच्छे से देख लो कैसे जॉइंट किया मैंने मैचिस की तिल्लियों को। और एक बार मैं एक बॉगी निकाल के चला के दिखा देता हूँ कैसे चलता है इसके ऊपर। तो ये रहा बॉगी, तो मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। तो गाइज अब हम बनाने वाले हैं स्विच। इससे पहले क्या करना है आपको, एक फुल साइज का स्टिक लेना है आपको। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसे मैंने तिरछा काट के रखा है, क्योंकि यही जो स्टिक है हमारे पूरे ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक की ओर स्विच करेगा। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो स्टिक है ऐसे करके यहाँ पर लगाना है। और यही स्टिक को हमें क्या मूवेबल बनाना है। जैसे देख सकते हैं इस पोजीशन पे मैंने लगा के चेक कर लिया है कि ऐसे हाँ लगेगा ठीक है। और यहीं से ऐसे क्या मूव होगा ताकि ट्रेन लेफ्ट और राइट जा सके। उससे पहले क्या इसे मैं एक सेपरेट पेज पे लगा लूँगा, उसके पीछे एक और स्टिक लगा दूँगा, क्योंकि जहाँ पे हमें लगाना है स्विच को वहाँ का उस ट्रैक का लेंथ थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्टिक। और बेहतर मजबूती के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, फेविक्विक का सहारा ले रहा हूँ। तो ऑल ओवर ट्रैक के ऊपर मैंने क्या फेविक्विक का कोटिंग कर दिया ताकि ये और भी ज़्यादा मजबूत हो, ताकि कोई भी ट्रैक जाए ये डैमेज ना हो। तो ऐसे करते हैं साइड में और जितने भी जॉइंट है और मेन जहाँ पे हमारा स्विच लगने वाला है वहाँ पे मैं पूरा फेविक्विक लगा दूँगा, ताकि उस ट्रैक का और उस प्लेस का मजबूती भी सेम हो। तो फटाफट मैं फेविक्विक लगा देता हूँ, एक कोटिंग लगा देता हूँ आगे से भी और पीछे से भी, ताकि दोनों तरफ इसकी मजबूती एकदम प्रॉपर रहे। और साइड में आप देख सकते हैं हल्का सा गैप काट रहा हूँ। और इमेज में भी आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पर गैप बना रखा है, ताकि जो स्विच का जो ट्रैक है प्रॉपर तरीके से वहाँ पर प्लेस हो पाए और पूरे ट्रेन को दूसरे ट्रैक को दूसरे ट्रैक के ऊपर स्विच कर पाए। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा हो रहा था ये वाला ट्रैक, तो इसे काट लूँगा मैं और यहाँ पे प्लेस कर दिया मैंने दोबारा, चेक कर लिया हाँ बढ़िया एकदम परफेक्ट पोजीशन है इस ट्रैक का देख सकते हैं। और यहाँ पे एक सेंटर ऑफ पॉइंट मैं ढूंढूँगा, तो सेंटर ऑफ पॉइंट मैंने ढूँढ लिया। और यहाँ पर क्या छेद करेंगे, छेद करने के लिए क्या करना है हमें एक सुई लेनी है, क्योंकि हमें एकदम बारीक ही छेद करना है ताकि स्टिक को भी डैमेज ना हो और अच्छे से घूमे भी। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया स्विच को हल्का सा उसके अंदर डाल के। अब छोटा सा हैमर लेंगे और पूरा सुई को उसके अंदर गाड़ देंगे ताकि अच्छे से घूम पाए, रोटेट हो पाए और फ्रीली रोटेट हो पाए। और यहाँ पे भी मैं लगा के मार्क कर लेता हूँ कहाँ पे छेद करना है मेरे को। तो यहाँ पे भी मैं मार्क कर लेता हूँ। मार्क करने के लिए वो स्विच यहाँ पे दोबारा प्लेस करेंगे, प्लेस करके उसके ऊपर दोबारा सा हथौड़ा मारेंगे ताकि इसके ऑपोजिट भी छेद हो जाए और हमें परफेक्ट लोकेशन मिल जाए कि हाँ
यहीं पे ही हमें क्या कनेक्टर लगाना है ताकि स्विच हो सके। और गाइस आप वीडियो पे भी देख सकते हो स्टिक के अंदर एकदम बारीकी से छेद हो चुका है, इसके अंदर आर पार भी दिख रहा है इसके। अब क्या करेंगे, स्टेपलर लेंगे क्योंकि मेन रोल है स्टेपलर के पिन का। एक स्टेपलर का पिन निकाल लेंगे तो ये रहा स्टेपलर का पिन। हमें क्या वहाँ पे लगा के चेक करना है कि हमें क्या वहाँ पे लगा के एक मार्क कर लेना है ताकि इसका जो दोनों साइड है एक ट्रैक के ऊपर से निकल आए। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, एक और छेद बनाएंगे दूसरे साइड के लिए। तो यहाँ पे दूसरा छेद भी हो चुका है। अब क्या करेंगे, स्टेपलर के पिन को इसके पीछे से इसके अंदर डालेंगे। देख सकते हो इसके ऑपोजिट साइड से दोनों इसके पिन निकल चुका है। अब क्या करेंगे, जो स्विच है हमारा इसके अंदर डाल देंगे। उससे पहले स्टेपलर के पिन को मैं चिपका लेता हूँ। तो गाइस बस यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेप रह गया जो कि स्विच वाला ट्रैक है, हमें क्या पिन के अंदर डाल लेना है। डालने के बाद इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पिन निकला रहेगा उसे क्या हथौड़े के मदद से मार के स्ट्रेट कर देना है ताकि ट्रेन डिरेलमेंट ना हो और पटरी के बाहर ना निकले। तो ये फटाफट से मैं कर लेता हूँ, देन आपको दिखा देता हूँ कितना स्मूथली ये मूव होता है। तो गाइस यहाँ पे होता है हमारा ट्रैक कंप्लीट। अब देख सकते हो कितना स्मूथली मूव कर रहा है ये वाला सेक्शन, मूविंग सेक्शन, और कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है इसके ऊपर ये बॉगी। तो अब ये इस साइड मूव होगा, देखना, देख सकते हो बॉगी कितना बढ़िया चल रहा है इसके ऊपर। बाकी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया तो इसमें मैं रनिंग टेस्टिंग नहीं दिखाऊंगा। अगर आप रनिंग टेस्टिंग देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप एंड स्क्रीन को दबाकर रनिंग टेस्टिंग देख सकते हैं, उसका मैं वीडियो डाल दूँगा।